अनेक इस तरह के कार्य जो है उसका ये बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। और ये सब बोर्ड जो है ये 3 साल के लिए है और ये इसकी बैठक भी हर 3 महीने पर होगी और जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी आप लोगों को बताया। ये पहले से बनी हुई पूर्वांचल विकास निधि और बुंदेलखंड विकास निधि वो तो निधि उसका क्या होगा? ये बोर्ड बोर्ड अलग हो गया, वो तो निधि मिल जाती है। ऐसा जो पैकेजेस दे रहे हैं वो तो निधि के माध्यम से जाएगा। अब निधि उस बोर्ड के माध्यम से उसको एक तरह से संचालित किया जाएगा। सर ये बोर्ड कब तक हो जाएगा, कब तक काम करने लगेगा? आज का है, जितनी जल्दी होगा। इसमें तो आज उसका टाइम फ्रेम नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा था जल्द से जल्द शुरू होगी। आप एक कोमा में जाते हैं तो आपके जीवित रहते तो काम कर रहे होते, और काम कर रहे होते तो आपकी जो सेवा काल है वहां तक ही आपको जो जो सैलरी दी जाती है वो दी जाएगी। उसके बाद रिटायरमेंट आता है और रिटायरमेंट के बाद उसको फिर पेंशन दी जाती है, तो उसको फिर लागू किया जाएगा।